नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बुल कंपनी की HD76 HD76 बैको लोडर का है, इसके बारे में पूरी टेक्निकल डिटेल्स आपको बताऊंगा जितना मेरे को पता है, और इसके जो ओनर हैं उनसे भी रिव्यू भी लेंगे एक दूसरी वीडियो में। जैसा कि हम इसके बैको लोडर की और इसकी बात करें, अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये किर्लोस्कर कंपनी का 4R1040 TC Euro 3A इंजन के साथ में है, ये जो इसका ये बैको लोडर है और जो इसके 4 सिलेंडर इंजन के साथ में है, और ये 76 HP का इसका इंजन है, और जो 76 HP है 2200 RPM पे अपने 76 HP पूरे जनरेट करता है इसका इंजन, और जो टॉर्क है इसका 300 Nm 1500 RPM पे अपना पूरा 300 Nm टॉर्क ये जनरेट कर देता है इसका इंजन। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो करारो फुल्ली सिंक्रोमैस गेयरबॉक्स के साथ में, 4 स्पीड के साथ में गेयरबॉक्स है इसका। और अगर हम इसके ब्रेक की बात करें, ऑयल इमरिस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ में आता है, और जो वाटर प्रूफ है और डर्ट गंदगी वगैरह और पानी वगैरह से कोई ख़राब भी उनका कौन है कोई चांस नहीं इसका अपना। और अगर हम इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो हाइड्रोलिक पंप है जो वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का 3335 PSI के साथ में है 230 bar में। और अगर हम इसके पंप फ्लो की बात करें तो 113 लीटर पर मिनट जो 2200 RPM पे अपना फ्लो पैदा कर देता है, और जो इसका फ्रंट लोडर है वो 7 फुट 8 इंच के साथ में है ये फ्रंट लोडर, और जो बैक जो एक्टिवेटर है जो बैक वाला एक्टिवेटर है वो 18 फुट की लंबाई के साथ में है ये, ये जो एक्टिवेटर है बैक वाला ये 18 फुट की लंबाई के साथ में आता है, और ये 15 फुट गहरा गड्ढा खोद देगा आराम से, और 18 फुट की हाइट के साथ में 18 फुट तक हाइट है इसकी। और जैसे कि हम इसकी बात करें, इसका अगर हम पहले इंजन दिखाता हूँ आपको, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है किर्लोस्कर कंपनी का, रोटरी पंप के साथ में आता है ये, वही माइको कंपनी का बोस कंपनी का रोटरी पंप, ये अपना फ्रंट हुड सिंगल बोनट के साथ में लोहे के बोनट के साथ में है, ये आगे रेडिएटर दिया इसका काफ़ी बड़ा जो कि साफ़ वगैरह करने में काफ़ी आसानी मिल जाती है इसकी। और अगर हम इसके पंप की बात करें, ये इधर अपना इंजन का जो रोटरी पंप है वो रोटरी पंप के साथ में दिया है, वो उस कंपनी का 4 सिलेंडर इंजन है किर्लोस्कर कंपनी के साथ में ये, और ड्राई एयर क्लीनर के साथ में आता है ये यहाँ पर ड्राई एयर क्लीनर है, इधर ड्राई एयर क्लीनर के साथ में, और इधर ये अपना इंजन टर्बो के साथ में इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, ये टर्बो के साथ में टर्बो लगी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो इसका नंबर वगैरह टर्बो का, अगर आपको समझ में आए तो ये टर्बो भाई RPM एग्जॉस्ट बेस्ड टर्बो साथ में, इधर अपना और इधर अपना डीजल टैंक हाइड्रोलिक टैंक है, डीजल टैंक है ये अपना, इधर डीजल टैंक दिया इसका, और ये अपना जैक वगैरह हाइड्रोलिक और लॉक के साथ में है ये लोडर का, आप लॉक लगा सकते हो लोडर लॉक के साथ में, और जो ये फ्रंट लोडर है ये मल्टीपर्पज़ है, साथ में सिलेंडर दिया, बीच से आप इसको खोल सकते हो, जो कि ये 7 फुट 8 इंच के साथ में ये यहाँ से ज्वाइंट दिया है, आप दोनों काम करके खोल गए अपने बीच से हाफ भी, जो कि काम करने में जल्दी आसानी होती है इसका, काफ़ी हेल्पफुल होता है, मजबूत ब्लेड के साथ में है ये बैकहो लोडर बुल कंपनी का। और बोनट ये इधर अपना हाइड्रोलिक ऑयल टैंक है जो साथ में ये दिया भी है, मिलो कि कम होने पर आपको पता लग जाएगा टाइम टू टाइम इधर चढ़ने के लिए ऊपर। अगर हम इसके फ्रंट टायर की बात, और ये 4 व्हील ड्राइव के साथ में ये ऑप्शनल में है, अगर आप 4 व्हील ड्राइव लेना चाहते हो तो 4 व्हील भी मिल जाता है ये, और जो इसका प्राइस भी बताऊंगा मैं आपको, जो इसका प्राइस है स्टार्टिंग जो शोरूम प्राइस है 23 लाख रुपये इसका शोरूम प्राइस है, आप इसके बाद इसको जैसे फीचर वगैरह बढ़ते रहेंगे आप वहाँ शोरूम पर आगे बात कर सकते हो इसके लिए। और जो फ्रंट टायर है इसका अपना 96 का है, 96 के साथ में टायर, अच्छा 916 सॉरी उल्टा पड़ गया मैं, 9.916 का टायर के साथ में आता है ये 916 का टायर है, उल्टा पड़ गया सॉरी भैया। और ये ड्यूल एक्टिंग वाला बैलेंस्ड पावर स्टेयरिंग के साथ में आती है, सिलेंडर बैलेंस पावर स्टेयरिंग ड्यूल एक्टिंग के साथ में है, और जो इसका बैकवेटर है जो बैक टायर है इसका अपना 14.25 के टायर के साथ में आता है, 14.25 के टायर के साथ में बैक टायर इसका, और जो हैवी ड्यूटी के लिए, और जो ये बैक एक्टिवेटर है ये 18 फुट की लंबाई के साथ में है, और इसमें साथ में ड्रिल वगैरह के लिए अगर आप कोई भी इंप्लीमेंट अगर है एक्स्ट्रा कोई भी आप इसके साथ जो ज्वाइंट करना चाहते हो तो उसके लिए कंपनी ने अलग से हाइड्रोलिक पाइप दी हैं दोनों साइड में, आप कोई भी जैसे हाइड्रोलिक जैसे ड्रिल वगैरह है या कुछ और भी आप अगर ज्वाइंट करना चाहते हो इसके साथ आप ज्वाइंट कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इन चीज़ों से। ये है अपना बुल कंपनी का बैकहो लोडर, अगर हम इसके इंटरनल दिखाएं ये ऑप्शनल में है एसी के साथ में, और आप यहाँ से इसको ये
जनरल होता है, आप इसको इधर उधर भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इसको, जैसा आपको, जैसे आपकी इच्छा हो, आपके काम के अकॉर्डिंग। और किसी और अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने, फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में आती है, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में, आरामदायक है ये, जो कि बंदा यहाँ आराम से लेट सकता है, अंदर लेटना अगर रेस्ट करना चाहे नाइट में, अगर कहीं बाहर गए हो तो आप आराम से लेट सकते हो। डिलक्स सीट के साथ में है ये, आप एडजस्ट कर, डिलक्स सीट है, सीट बेल्ट के साथ में, काफ़ी बड़ी। और जो इसकी टोटल स्पीड है अभी तक जो इन्होंने चेक की है 41, जो कंपनी देती है लिख के 41 किलोमीटर प्रति और मतलब 41 की स्पीड एक घंटे में 41 किलोमीटर। और ये अपना इसके आरपीएम है, डीजल मीटर के साथ में, ये आरपीएम मीटर है ना, ये स्पीड मीटर, स्पीड मीटर है, ये स्पीड मीटर है, डिजिटल मीटर के साथ में है। ये इधर अपना ब्रेक पेडल और ओ एलिमिनेशन मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ में। और जो स्टेयरिंग है इसका एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे पैडल दिया है, इसके द्वारा आप काफ़ी ऊपर नीचे अपने काम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसको। और डैशबोर्ड बिल्कुल सिंपल, इधर अपना गियर लीवर, एक्वेटर लीवर और हाइड्रो, ये अगला अपना लोड लीवर है, ये अपना नीचे जा सकते हैं आप आराम से काम करने के लिए। और इधर अपना ये मीटर दिया है, अलग अलग टाइप से अपने मीटर में चार्जिंग के साथ ऑप्शन के साथ में है। और ये अपना 3200 RPM के साथ इसका मीटर दिया गया है। इधर अपना ये टेम्परेचर मीटर हो गया, सारा सारी चीज़ें इसके अंदर, फ्यूल मीटर वगैरह, सारी गेज वगैरह सब कुछ दिया है। और ये अपना हैंड ब्रेक के साथ में, डिलक्स सीट के साथ में है ये, रोटेशन 3, इधर अपना रेस पैडल 360 आप रोटेट कर सकते हो। और इसको जो अगर हम इसके बात करें बैक इसकी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको खोल सकते हो, ये ऐसे खींचने पे खुल जाएगा, काफ़ी स्पेस दिया है इन्होंने दिखने के लिए भी, जो विजिबिलिटी है फुल विजिबिलिटी है पीछे से। और जो इसकी रोटेशन है एक्वेटर की, 188 डिग्री रोटेशन के साथ में आता है ये। इधर अपना फ़ैन भी दिया है और ऑप्शनल में है, आप AC वगैरह लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, वो ऑप्शनल में आता है ये। इधर अपना 2 स्पीकर वगैरह दिए हैं छत के साथ में, लाइट के साथ में। इधर अपना म्यूजिक सिस्टम भी दिया है कंपनी तरफ से, ये साइड में बैक मिरर, ये बोनट खोलने के लिए यहाँ से लीवर दिया है इन्होंने। ये भाई बैकहो लोडर बुल कंपनी का HD 76, लगभग पूरी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी आ चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको और कुछ भी पता करना है इसके बारे में तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दूंगा। और इसके जो इंजन की अपनी जो लिखी हुई है सर पूरी डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे भी दी हुई है, आप इस प्लेट से पता कर सकते हो सारा इंजन वगैरह के बारे में। और अब अपना पूरी डिटेल्स आप यहाँ से भी ले सकते हो इसकी। ये बुल कंपनी का है एक्वेटर, नहीं बैकलोडर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।